अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे गाजा में अब एक और काला अध्याय जुड़ गया है। खान यूनिस में हुई एयर स्ट्राइक ने फिर गाजा के जख्मों को हरा कर दिया है। इजरायली हमलों से तबाह हो चुके पूरे गाजा में सिर्फ एक ही इलाका आईडीएफ ने सुरक्षित घोषित किया हुआ था, यानी कि इजरायली बल आम जन को नुकसान न पहुंचाते हुए इस इलाके में एक भी हवाई हमले नहीं करेंगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में गाजा से विस्थापित हुई फिलिस्तीनी आबादी यहां तंबुओं में बसने लगी। हालांकि गाजा से हमास का जड़ से सफाया करने के इरादे से उतरे इसराइल ने रिफ्यूजी कैंप में भीषण एयर स्ट्राइक कर आम लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सेफ जोन में हमला करने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद से इसराइल फिर से सबके निशाने पर है। दुनिया भर के देशों ने ही नहीं बल्कि यूएन ने भी इसराइल के एयर स्ट्राइक में मारे जाने वाले 90 से ज्यादा लोगों की मौत पर दुख जताया, तो वहीं 300 के करीब लोगों के घायल होने पर इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। इस बीच गाजा में हुई खूनी स्ट्राइक से हमास भी भड़का हुआ है। हमास नेताओं ने इसराइल के इस कदम को गलत बताते हुए बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दे डाली। हमास ने बयान जारी कर कहा कि इसराइल की रिपोर्ट है कि देइफ और अन्य लोग अल मवासी नरसंहार में मुख्य टारगेट थे। हालांकि इस हमले में खान यूनिस इलाके में 350 से ज्यादा लोग मारे गए और घायल भी हो गए। इसके जवाब में हमास ने अपने सैन्य ऑपरेशन में इसराइल पर तीखा हमला बोला। हमास की मिलिट्री विंग ने दावा किया कि इसराइल ने 3 मरकबा टैंकों को लड़ाकों ने सटीक हमले में नष्ट किया, साथ ही आरपीजी शेल के साथ एक हमर जीप को भी निशाना बनाकर तबाह किया। अल कासिम ब्रिगेड ने गाजा में तैनात इजरायली वाहनों को एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। अल यासीन 105 गोले से इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वहीं दक्षिण गाजा में रफा शहर में पूर्व में अबू धर अल गिफारी मस्जिद के पास आमने सामने की झड़पों में इजरायली सैनिक हताहत हुए। खान यूनिस का बदला लेते हुए अल कासिम लड़ाकों ने इसराइल की इंजीनियरिंग यूनिट की बारूदी सुरंग में विस्फोट किया। ये हमला गाजा के दक्षिण में रफा के पूर्व में अल शौका के पड़ोस में हुआ। इसके अलावा ब्रिगेड ने रफा के पूर्व में इसराइल की D9 बुलडोजर को अल यासीन 105 शेल से उड़ाया। वहीं अलकुद्स ब्रिगेड ने भी रफा के पूर्व में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर मोर्टार से बमबारी की। वहीं अलकसम लड़ाकों ने गाजा में इजरायली बलों पर हमले का फुटेज जारी किया। तल अल हवा इलाके की एक क्षतिग्रस्त इमारत में लड़ाकों को इजरायली बलों के लिए बूबी ट्रैप बिछाते देखा जा सकता है। इसमें लड़ाके एक इमारत को उड़ाने के लिए उसे विस्फोटकों को फिट कर रहे हैं। इसके लिए लड़ाके हथौड़े की मदद से दीवार में छेद करते हैं, इसके बाद तार के एक सिरे को दीवार से दूसरे छोर पर सुराख के जरिए भेजते हैं, फिर उस तार को विस्फोटकों से जोड़ते हुए खंडहर हो चुकी इमारत में छिपा देते हैं। बताया जाता है ये शावाज जैसा एक विस्फोट है जिसे EFP कहते हैं। वहीं एक बिना विस्फोट वाला इजरायली F-16 लॉन्च बम लगाया। इसके बाद जैसे ही एक एक कर करीब 10 इजरायली जवान उस इमारत में दाखिल होते हैं, तभी घात लगाए लड़ाके उस इमारत में रिमोट के जरिए विस्फोट कर देते हैं। इस दौरान कई जवान हताहत भी हुए, जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा जा सकता है। खंडहर इमारतों में छिपे हमास लड़ाके बेहद चतुराई से इजरायली बलों पर हमला कर रहे हैं, जिससे आईडीएफ के जवान जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। वहीं लड़ाकों ने दूसरा हमला सड़क में छिपाए IED से किया, जिसकी चपेट में आने से इसराइल का सैन्य बख्तरबंद वाहन उड़ गया। वहीं दूसरे इजरायली बख्तरबंद वाहन को लड़ाकों ने अल यासीन टेंडन रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी RPG दाग कर तबाह किया।